सीमापाड़ा पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन करवाया। देखिए, हमने 30 सालों से जनता की सेवा किया है और जनवितरण की दुकान करते हुए अगर जनता का निष्ठापूर्वक हम सेवा किए हैं और जनता हमारे साथ है। पंचायत में बहुत सारा कमी है। 5 वर्षों में हमारा पंचायत लगभग 20 वर्ष पीछे चला गया। आज उगरा मापाड़ा पंचायत ODF घोषित है और 5% शौचालय वहाँ नहीं है। आज उगरा मापाड़ा पंचायत में आवास योजना में जो धांधली हुआ है बिचौलियों को द्वारा, उसको मिटाने के लिए हम लोग आए हैं। ये जो जत्था देख रहे हैं उसको मिटाने के लिए आया है। जत्था से हमने 3 मुद्दा रखे हैं। पहला मुद्दा है कि जो जल नल योजना जो चला है सरकार को, जो प्राथमिकता के आधार से चल रहा है, या किसी भी वार्ड में जल नल योजना नहीं जा रही है। उप स्वास्थ्य केंद्र, हमने कहा है जनता को अगर हमारी सत्ता आई तो आपके लिए लड़ेंगे और उप स्वास्थ्य केंद्र को उगरा मापाड़ा पंचायत में बनवाएंगे। जनता का रुझान बहुत अच्छा है, जनता हमारे साथ है और जनता चाहती है कि बदलाव हो और डीलर साहब सत्ता में आवे और जनता का सेवा करे। कौन से पंचायत से करवाएं? न्यूनी आंदामा पंचायत। विकास के बहुत से कार्य अभी छूटे हुए हैं लेकिन हम कर्म पथ पर लगे हुए हैं। जो भी छूटे हुए काम है उसको अपने निगरानी लेकर के और समाज की निगरानी से उसमें हम करने का काम करेंगे। जहाँ भी कोई दिक्कत हम समाज को लेते हुए किस बीच मुद्दा रहेगा, मेन मुद्दा है सड़क और सड़क। वर्तमान समय परिस्थिति में जो सरकार से मुहैया हो पाई मैंने उसमें कतई कमी करने की कोशिश नहीं की। सरकार के दिशा निर्देश अनुसार मैंने सब काम किया। जनता यही करना चाहता हूँ, मैं उनसे प्रार्थना करके जाना चाहता हूँ कि एक बार फिर मौका दे और मैं फिर विकास के काम करने के ऊपर खड़ा उतरने का कोशिश करेंगे। आशीर्वाद था बहुत अच्छा, इस बार भी उससे बेटर दें। जलवार पंचायत से मुखिया पद के लिए कर रहे हैं। क्या हुआ था उसमें? उसमें बंदरवाट हुआ था, वोट का बंदरवाट हुआ था और क्या होगा। दलाल सब जो है सो पैसा का खेल खेलता है हम लोगों के पंचायत में। जन सेवा, जनता की सेवा करना ही हमारा प्रथम उद्देश्य है। जाएंगे जैसे उनका जो विकास का काम है, जैसे क्या कहते हैं शौचालय हो गया, जैसे आपको राशन कार्ड हो गया, जैसे प्रधानमंत्री आवास हो गया, सड़क हो गया, नाला हो गया, हम सबको दुरुस्त करने का, शिक्षा हो गया, सब पर हम ध्यान देंगे और सब पर जो है सो विकास करने का काम करेंगे। बहादुरपुर प्रखंड के टीकापट्टी देवकुली पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन करवाए हैं। पहले पिछली वर्ष भी लड़े थे, नाम अच्छा रहा था लेकिन हमारी तैयारी कुछ कम थी और विरोधियों के चाल को समझ नहीं पाए, इसलिए हमारी हार हुई थी। मत मांगने के लिए मुद्दे ही मुद्दे, जैसे इंदिरा आवास में खुलेआम मुखिया गोपाल ठाकुर द्वारा 20,000 रुपया खुलेआम लिया जा रहा। कहीं भी डगरसाम के अलावा कहीं भी ढलाई, सड़क, शौचालय निर्माण आदि किसी भी कार्य को नहीं कराया गया। वो सिर्फ अपने गांव के 3 वार्ड में से आधे गांव में ही कुछ काम कर पाए। और दूसरा बात ये रहा कि नल जल योजना में जो भारी लूट हुई है, आप लोगों को पता होगा कि 9 वार्ड का जल मीनार बना और ध्वस्त हो